गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइज। सर, आज मैं जा रही हूँ अपनी चाची के घर, और चाची चाचा के घर हम लोग जा रहे हैं, और मुझे मिस्टर जो आज के मेरे ड्राइवर है वो है एक्को। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, और वो जो है गाजियाबाद में है गाइज। तो मैं दिखाऊंगी आपको गाजियाबाद, शायद काफी सारे लोग बहुत फेमिलर होंगे इस वर्ड से, फेमस जगह है काफी। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं गाइज, बिल्कुल घर से अभी निकले हुए, हमें जस्ट 10 सेकंड हुए, तो हम घर के जस्ट बाहर ही हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं मेन रोड पर, और अभी जो टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? टाइम इज 10:30, 10:30, 10:30 हो रहे हैं गाइस, जो कि हम बहुत लेट हैं। हम लोग सनी डे यार, रेनी डे होना चाहिए था एक्चुअल में, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब यहाँ पर बारिश हुई थी तो उस टाइम पे 3 दिन का फोरकास्ट बताया था, बट एक ही दिन बारिश हुई है, देन उसके बाद से ऐसा ही सनी डे है ना। ये मैं इंजर्ड हो गया हूँ। हाँ, एक्चुअल में मैं करिश्मा से थोड़ा सा उल्टा बोल रहा था, इसने मेरा हाथ मोड़ दिया। नहीं, एक्चुअल में यार मैं गेट के अंदर मेरा हाथ आ गया था, तो वो थोड़ा ज्यादा दब गया और अब काफी पेन कर रहा है। कल इसमें ऐसे कोई पेन नहीं था, मैं रात को एसी में सोया, तो अभी सुबह इसके अंदर कुछ अकड़न सी है, यू नो। ठीक है, ये ना एक्चुअली सिंपैथी लेना चाह रहा है दुकान पे जाके अपनी। मैं एक्चुअल में हाँ, मैं शॉप पे नहीं जाना चाह रहा आज अपने, मैं काम से थोड़ा सा फ्री होना चाह रहा हूं। कोई सुनता ही नहीं है यार, बाल मजदूरी करवा रहे हैं छोटे बच्चे। गाइज, अभी हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद, मतलब एंट्री कर लिया, आगे शो कर रहा है पोर्ट के ऊपर गाजियाबाद और दिलशाद गार्डन। कोई ये बता सकता है कि ये क्या है? ये बहुत ही ज्यादा फेमस कारागार है, ये सेंट्रल जेल है गाजियाबाद की, ऐसा मैंने सुना है। नहीं, सुना नहीं है। बहुत बड़ी जेल है, मतलब तिहाड़ के बाद अगर कोई एक्चुअल में बड़ी जेल है तो यही है, काफी सारे गेट्स हैं इसके भी। अभी हम लोग आ गए हैं अपनी चाची के घर, हम वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। नहीं, नीचे ये बिल्डिंग में। हाँ जी, हम आकाश बिल्डिंग में जाने के लिए यहाँ पे एंट्री कर रहा है विद द ब्रोकन हैंड। लिखा जा रहा है, मैं लिखूं? ठीक है। चाची नमस्ते, कैसे हो? सूखी हो रही है, मैं खाने को नहीं मिल रहा मुझे। अकुर जी, मैं अपने बाबा दिखाऊं, ये मेरे बाबा हैं गाइस। कुछ साइलेंट मोड डाल रहे हैं, तो मैं चाचा ने कहा क्या बोलोगे? नहीं, वो ऐसे भी म्यूजिक लगाता है। हां, वहां पे आदमी अगर और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा इतना। हां, नहीं वहाँ पर वहाँ से ज्यादा स्कोप जर्मनी में है, क्योंकि जर्मनी में इंडियंस बहुत रहते हैं, तो जर्मनी वहाँ पे ना जर्मनी का नहीं है। आप ऐसे ही चले जाओ, जैसे कि आप दिल्ली से यूपी में एंटर कर रहे हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। बस दे दीजिए। नाइस, चाचा मुझे ऑप्शन दे रहे हैं बहुत सारे। कंटेंट ही कंटेंट है और सारे सब्सक्राइबर हैं। ये जो ब्रोकर है, बोलेंगे पहले सब्सक्राइब करते हैं, कहेंगे फैंस। चाची लेकर आई है बहुत टेस्टी से आम गाइस, और इसे खाने में इतना इजी है, यही वाला कटिंग चाहिए थी मुझे। ये ज्यादा है वैसे, शेयर कर सकता है, कॉस्ट स्पून ले लेना। चाचा ने इसकी पीक निकाल दी है, इसके अंदर जहर होता है थोड़ा सा, ऊपर पीक होता, पीक जो हमारे लग जाए तो फल जाता। अच्छा अच्छा,
ये 200 साल पुराने प्रोसीजर तरीके से ये देखो ऐसे जरा शंख बज रहा हो ऐसे खा रहे हैं ये सभी ऐसे खाते हैं वैसे। हाँ ये हमारी बहन गुंजन, हाय करो, बाय करो, बस इतना ही लेना था तुम्हें हमें। नकली पिस्टल थी मेरे पास, आम तोड़ा, छील छील के खा रहा था। एक पिन्नी ले गया था कि जिससे किसी को पता नहीं पड़ा, छिलका मतलब नीचे नहीं गिरा, गंदगी नहीं हो, ठीक है ना, पिन्नी में रख रहा था। बाघ वाला आया, क्या कर रहे हो, देखने तेरे बाघ उठा रहा हूँ, किससे पूछा, कैसे क्या पूछेंगे, हमारा बाघ हमारे आम हम खाएंगे। फिर वो बाघ वाला चले ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। ऐसे देना ले ले बेटा ले ले ले, मेरे को गाड़ी में पकड़ा दियो तो नीचे आ, मेरे को गाड़ी में दे दिया नीचे आके, हाँ ओला का चार्ज तो गाइज अभी मैं अपने चाचा चाची के घर से आ गई हूँ और वहाँ बहुत ही मजा आया, हम लोगों ने बहुत हंसी मजाक किया और ये मेरे किस्से सुना रहा था सबको पुराने पुराने। आने का यार मन नहीं था बट मैं थोड़ा सा अपने काम को लेके लेट हो रहा था तो इस चक्कर मैंने फोर्सफुली करिश्मा को उठाया वहां से, मैंने कि चलते हैं, अदरवाइज बिल्कुल मन नहीं था। बचपन की बहुत सारी बातें करी, मेन क्या है अपने दादाजी के बारे में बातें करी हमने ना, वो एक अलग ही पर्सनैलिटी थे जिनको हम आज भी यू नो बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और बट एक उनका ना एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था, वो एक तरीके से डांटते थे या उल्टा सीधा बोलते थे, कुछ भी कहते थे जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं, बट वो ना एक इतना फनी था हमारे लिए कि हम आज भी याद करते हैं ना तो हमारे चेहरे पे इतना बड़ा सा स्माइल नहीं लाफ्टर आता है बेसिकली। और अब मुझे चाची के घर भी बहुत मजा आया, मतलब मेरे वहां पे दो भाई बहन है, गुंजन और चिराग, उनके पास दो बच्चे हैं और काफी मजा सा आया, मतलब वहाँ पे हम लोगों ने खूब खाया पिया भी, एक अच्छा एंजॉयमेंट हो गया मेरे लिए काफी। और मैं उनसे काफी टाइम बाद मिली हूँ, मतलब 7-8 महीने तो वहीं हो गए थे और उससे भी काफी पहले मैं मिली होंगी, मेरा आई थिंक ज्यादा शादी के बाद से, मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी बार मिली, तीसरी बार, हाँ शायद शादी के बाद से। और उन्होंने ना बहुत प्यारा सा घर भी परचेज किया, मुझे घर बहुत सुंदर लगा उनका। बेसिकली वो एक टाइप की सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी, वो तो मैंने पहली बार देखा, उन्होंने अभी चेंज किया है। सो उससे पहले वो सेपरेटेड रहते थे, जिस टाइप एक जो पर्टिकुलर एरिया होता है, बट अभी वो एक सोसाइटी में रह रहे हैं, अच्छा था। मैंने भी आज ये वाला, और जो मेरे पापा है ना, मतलब ये लोग 5 भाई है और मेरे पापा सबसे बड़े है और ये सबसे छोटे वाले चाचा चाची थे मेरे, सबसे छोटे वाले। होपफुली अभी हमारा प्लान हुआ है कि शायद हम एक बार अपने गाँव भी जाए, आपको दिखाए कहाँ से यू नो हम स्टार्ट करा, कहाँ पे हमारे फादर रहते थे और कहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई कि हम आज इतने बड़े हैं। और ठीक है अभी हमारा प्लान हो रहा है कि एक बार हम गांव जाएं। चाचा ने ना हमें बोला तो है लेकिन हमें कुछ पता नहीं है उनका, उन्होंने वेडनेसडे के लिए बोला है तो एक बार मैं जाके कंफर्म करूंगी उनसे और फिर हम लोग वेडनेसडे का प्रोग्राम बनाते हैं गांव जाने का, देखती हूँ अब वो क्या करते हैं आगे ना, वरना जाएंगे मजा आएगा वहाँ पे, ट्यूबवेल वगैरह बहुत सारी चीजें हमारे आम के बाग है। और ठीक है We'll figure it out. एक बार घर पे डिस्कस करते हैं फिर देखते हैं, कोई प्लान होता है तो आप सबको भी अपने साथ लेकर चलते हैं। तो अभी घर चलते हैं फटाफट से, और यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है। हाँ मैं गाड़ी चलाऊं। घर आ गए हैं हम और अब आकाश जाएगा, ऑलरेडी लेट हो गया है, लेट हो गया है ना, बहुत लेट हो गया। घर पहुँचते हैं। तो गाइस आज मैंने लंच में बनवाया है हलवा पूरी और आलू की सब्जी, मेरा बहुत ज्यादा मन हो रहा था ये सब खाने का,
मैं अभी चाची के घर से आई हूँ और मम्मी ने बना रखा था तो मैंने कहा गरम गरम डाल के दे दो, और अभी मैं खाना खाती हूँ और फिर मिलते हैं। तो गाइज अभी खाना खाने के बाद थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला पार्ट हो जाए। मैं भूल भुलैया देख रही हूँ अपनी मम्मा के साथ और मासी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज, तब तक के लिए डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। हमें अपने परिवार से दोस्तों की तरह और दोस्तों से परिवार की तरह व्यवहार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर इस तरीके से चला जाएगा तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो गाइज इसी अच्छे नोट पर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय।